गहलोत मिशन 25 को लेकर धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए तूफानी प्रचार किया है। जोधपुर लोकसभा सीट वाले इलाकों में जनसंपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए वोट मांगे। गहलोत ने जैसलमेर के पोकरण और जोधपुर के शेरगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में प्यार और भाईचारा चाहती है, जबकि पीएम मोदी जाति और धर्म की बात करते हैं। कांग्रेस ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। चले सभी सीधा रुख कर रहे हैं जोधपुर का सीएम गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। राजस्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व सचिव एआईसीसी हरीश चौधरी साहब, हमारे डिप्टी चीफ व्हिप मंदे चौधरी जी, हमारे विधायक व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मेरे साथ में रामकेश मीणा साहब, पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी जी, भवि मीणा जी, बहन कीर्ति भील, डॉक्टर ललित मेहरा जी आईएएस रिटायर्ड, आर डी जावर साहब, कर्णराम जी भील, राम सिंह जी भील, प्रोफेसर यादराम जी, डॉक्टर जनक सिंह जी मीणा, तगाराम जी भील, मोहनलाल जी नायक साहब, राजूराम जी भील, राम अवतार जी अध्यक्ष दान का समार, स्वामी आताराम जी और तमाम उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे पहली बार एक साथ मिलना हो रहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संगीत बनो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। तीनों बातें लागू आज भी होती है। संगठन में शक्ति है। आप एक साथ में गांव के, शहर के, विभिन्न बस्तियों के लोग आए हो तो संगठन बना है, उसमें शक्ति पैदा होती है। आपस मिलोगे, परिचय होगा तो आपस में विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, और खुद में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं, मेरे साथ में सब लोग समाज के साथ हैं। सुख दुख के अंदर शिक्षित होना जरूरी है। जमाना बदल गया है। बिना शिक्षा के कोई जाति, कोई पार्टी, कोई वर्ग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जमाना बिल्कुल बदल गया है। चाहे देश हो, देश का कोई कोना हो, विज्ञान का, तकनीकी का जमाना आ गया। पहले देखते थे कोई कंप्यूटर होते ही नहीं थे। कंप्यूटर जो कंप्यूटर आए थे, आने वाले थे, यही बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे सरकारों पर, कांग्रेस सरकारों पर, कि राजीव गांधी क्या कर रहा है, कि कंप्यूटर ला रहा है तो कंप्यूटर आएगा तो जो टाइप करने वाले लोग हैं, टाइपिस्ट, उनकी छुट्टी हो जाएगी और कंप्यूटर बेकारी पैदा करेगा, ये उनके नारे हुआ करते थे। आज बिना कंप्यूटर किसी काम चलता नहीं। रेलवे की बुकिंग हो, तनख्वाह देनी हो, सीधा पैदा बैंकों में जाता, जो मोदी जी बोलते हैं तो पूछो मोदी जी को कि 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने, भाई आप पकड़िए जो कंप्यूटर के माध्यम से, आईटी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू करने की बात करते हो, तो ये हुए संभव कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ? आईटी क्रांति हुई, मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन में दुनिया मुट्ठी में हो गई। नौजवान लोग जो यूज करते हैं मालूम है, आज मीटिंग चल रही है। इतनी क्रांति है कि अगर ये मोबाइल फोन के माध्यम से वो चाहे, ये टीवी वाले जो शूट कर रहे हैं मुझे, ये चाहे तो दुनिया के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बम्बई, दिल्ली, कई के लोग बैठे देख सकते हैं इस मीटिंग में कौन बोल रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये किसने किया? ये मोदी जी ने 5 साल में किया। कौन बोल रहे हैं क्या कर रहे हो? तो ये किसने किया है? ये किसने किया? ये कांग्रेस की सरकारों ने किया है। 30 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था हमें नई सत्ता में जाना है और इतनी मेहनत करो नौजवानों कि नई सत्ता में जाए तो हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं रहे, हम पिछड़े नहीं रहे, दुनिया के जो मुल्क
विकसित हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, उसकी तरह हम भी उनकी बराबर आगे खड़े हो सके, ये उनका सपना था। लोग उस पर समझे नहीं थे उनको, अब लोग मानो पर ऐसे ही भूत आए, पहले गली गली में, उसके बाद टेलीफोन में बात भी नहीं होती थी, आपस के अंदर ऑपरेटिव बीच में आता था, आपको मालूम है जो पुराने लोग हैं। क्रांति हो गई, अब तो मोबाइल तक आ गए, वायरलेस की तरह काम, पहले पुलिस वालों पर वायरलेस होते थे तो बड़ा अचंभा होता था कि बिना तार के बात कैसे होती है, बिना तार के बात कैसे होती है, अचंभित बात होती थी कि पुलिस के पास में जीपोन मोबाइल वो वायरलेस बोलते थे, लोग देखते थे यार ये बोल रहा है, कुछ तार है नहीं, बात कैसे होती होगी यहाँ पर। और आज मोबाइल फोन करने दुनिया मुट्ठी में हो गई, 10 बटन दबाओ, जयपुर बात कर लो, दिल्ली करो, मुंबई करो, लंदन करो, अमेरिका को कहीं बात कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों को जो पढ़ लिख जाते हैं उनको 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तनख्वाह मिलती है एक साल की, बिना पढ़े के कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ आपके लिए करेंगे, परंतु शिक्षा के बगैर मैं कुछ भी कर लूँ आपके लिए। अभी तो चुनाव चल रहा है, घोषणा हम कर नहीं सकते कोई बात की, रोक लगी हुई है सरकार की, परंतु हम चुनाव के बाद में कुछ भी कर लेंगे आपके लिए, आप खुश हो जाओगे, ताली बजाओगे, हॉस्टल बन गया, ये हो गया, आप ताली बजाओगे, हमें आप मालाएं बनाओगे, धन्यवाद दोगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर परमानेंट चाहते हो कि हमारे जो भील समाज के लोग हैं या कोई जाति बिरादरी के हैं, किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हैं, किसी वर्ग के लोग हैं, आगे बढ़ना है, शिक्षा समाज में होना सबसे बड़ी बात है। अगर शिक्षित समाज होगा आप फिर छोड़ो, आधा काम तो आपका सती हो जाएगा, आधे काम सती हो जाएगा। शिक्षित व्यक्ति समझता है कि मुझे हक कैसे लेना है, सरकार की योजना बनती है आपके लिए बनती है, आपको मालूम है नहीं, आपको नहीं मालूम है। अगर शिक्षित समाज होगा, शिक्षित नौजवान लड़के लेना जानेगा सरकार से, MLA से, MP से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से जाके बात करेगा, मेरा हक क्या मुझे मिल क्यों दे रहा है, मुझे कई ज्ञापन मिले अभी यहाँ पर, मुझे खुशी हुई, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, पर निश्चिंत रहो सब ज्ञापन में कार्रवाई होगी। आप मुझे अगली बार मिलोगे चुनाव के बाद में, 23 मई को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, जब आपकी काउंटिंग हो जाएगी, 23 मई को काउंटिंग होगी पूरे देश के अंदर, काउंटिंग के बाद में आचार संहिता समाप्त होते ही आप मेरे पर आइए डेलीगेशन लेके, मैं खुद देखूंगा, अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी अधिकांश समस्याएं जो हल होने लायक होगी, कोई बाकी नहीं रखेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, छत्तीसगढ़ कौम की पार्टी, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समाज के लोग इसमें समावेश थे, अनेकतम एकता वाला मुल्क है ये, आजादी दिलवाई देश को तो कांग्रेस ने दिलवाई तिरंगे झंडे के नीचे, त्याग बलिदान कुर्बानी हुई तो कांग्रेस के झंडे के नीचे हुई थी। बीका भाई भील का नाम सुना होगा आपने, कई लोगों ने जो पुराने पीढ़ी के लोग बैठे हैं, बीका भाई भील का नाम पूरे देश के अंदर था, वो ट्राइबल के हमारे कमीशन के चेयरमैन रहे थे, मंत्री भी रहे राजस्थान के अंदर, और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से पहली बार 98 के अंदर, तो बीका भाई भी मेरे मंत्री बने थे मेरे साथ में, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सीनियर आदमी मोहनदास सुखाने साहब के साथ मंत्री थे, खेसिंग राठौड़, बीका भाई भील, गुलाब सिंह सत्तावत, चंद्रमणि बेद, ये तमाम लोग जो सुखाना साहब के मंत्रिमंडल में थे, प्रद्युम्न सिंह जी, ये तमाम लोग जो मैं मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से 98 में, तब तमाम लोग मेरे साथ मंत्री बने। तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में हमने शासन किया होगा गरीबों के लिए, अकाल में, सूखे में, बीके में, तकलीफ में, घर घर गेहूँ पहुंचा दिया हम लोगों ने, उस वक्त में अकाल पड़ते थे, काम के बदले अनाज योजना लेके आए हम लोग, याद होगा आप लोगों को, गांव के लोगों को ज्यादा याद है, काम के बदले अनाज मिलेगा तो अपना खुद का घर बना लो, हमने छूट दे दी थी, अपना कुंड बनाओ, कुआं बनाओ, कुछ भी करो, इस प्रकार से उस वक्त में कई योजना लागू की थी, वन अधिकार का कानून जो कई आदिवासी क्षेत्र में
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टीएसपी एरिया के अन्य उनके अलग समस्या है आदिवासियों की, उसके लिए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मन अधिकार कानून लेके आए, बड़ी क्रांतिकारी काम किया। फिर हम पट्टे मिल गए, क्यों को नहीं मिल पा रहे हैं उनको हम लोग दिखवा देते थे, उनको राहत मिले। तो जो समाज अपना है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता, कहीं मीना है, कहीं भील है, कहीं सहरिया है, अलग अलग नाम है और समस्या भी अलग तरह की है। बारा में, कोटा बारा सहरिया में, वहाँ अलग तरह के रहते हैं। आबू रोड पिंडवाड़ा में अलग तरह के हमारे ट्राइबल लोग हैं। तो तमाम लोगों की, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जनक सिंह जी मीणा की तरह जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनकी टीम बनवाएंगे, वो मुझे एडवाइज करेगी कि हमारे इतनी तरह के भील समाज के, ट्राइबल समाज के लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं की रिसर्च करी जाएगी और रिसर्च करने के बाद में कैसे सरकार क्या मदद कर सकती है, उनकी क्या फैसले कर सकती है आपके हित के अंदर। वो तमाम काम जो अभी हमारी बहन बोल रही थी, कीर्ति भील, वो भी और जनक सिंह जी और अन्य भक्तों ने कहा होगा, उन सब पे हम लोग दिखाएंगे कैसे हम इनको समस्या को दूर कर सकें।